हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एस बावर्ची। आज हम महाराष्ट्रियन स्पेशल डिश बनाएंगे। यह महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट डिश है पोहा। इसके लिए मैं 250 ग्राम्स मोटे चुड़वे ले ली, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 50 ग्राम्स बारीक कटा हुआ हरा धनिया, करियापाक और नींबू। चार से पांच लहसुन है ये, दरदरा पीस लीजिए। हल्दी 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब हम चूड़ों को 2 टाइम्स धो लेंगे। 2 बार धो लीजिए, पानी निथार लीजिए इसका। अब देखिए पूरा जो चूड़वा है उसको मैं धो के एक छन्नी में निकाल ले रही हूँ, पूरा पानी निथर जाता और फिर से ये चूड़वे इस तरीके से बन जाते, लाइट भीग जाते। देखिए पूरे चूड़ों को मैं धो ली और इसका पानी पूरा छान ली। अब एक पैन ले लीजिए और इसमें कुकिंग ऑयल डालिए, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगता है इसमें। अब पोहों को बघारने का है। ऑयल लाइटली गर्म होने के बाद उसमें फर्स्ट प्याज ऐड कीजिए। फिर करियापाक डालिए, लहसुन दरदरा पिसा हुआ लहसुन है ये, लहसुन कैसे टेस्ट बहुत जबरदस्त आता। थोड़ा मिक्स कर लीजिए, इसमें फली ऐड कीजिए, और 5 मिनट इसी तरीके से स्टर फ्राई कीजिए। कम्प्लीटली पोहा पकाने का पूरा सिस्टम जो है वो पूरा महाराष्ट्र स्टाइल का है और ये धीमी आंच पे पकाइए। बहुत ही जबरदस्त नाश्ता बनता है, लाइट नाश्ता है और हेल्दी नाश्ता है। और इसके बाद हल्दी और नमक ये दो मिक्स कर लीजिए। लास्ट में हरी मिर्ची ऐड कीजिए। अब लास्ट में पोहा ऐड कर दीजिए। और अच्छी तरीके से 5 मिनट्स तक ये पोहे को स्टर फ्राई कर लेते हुए मिक्स करिए ताकि पूरे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से हमारे पोहे येलोइश कलर जबरदस्त बन रहे हैं। बच्चों को बड़ों को सबको ये नाश्ता बहुत पसंद आता।
तरफ से मिक्स कर लेते हैं, बनाइए। और फाइनली इसमें कोथमीर ऐड कीजिए। लास्ट में सर्व करने से पहले एक नींबू ऐड कर लीजिए, बहुत टैंगी फ्लेवर आता है इसका। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और स्टॉप कर लीजिए। और फाइनली नींबू, करिया पाक और कटी हुई प्याज, कोथमीर से सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।